Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah, who's offered to resign this after there were allegations leveled against him about his involvement in a sex scandal case. This is the big breaking news coming in. There's major uproar in Jammu and Kashmir. Now there are tensions mounting as the J&K Chief Minister Omar Abdullah has finally said, gone on record and said that I quit after there have been allegations over the last few months about his involvement in the sex scandal case. Angry, a very short-tempered Omar Abdullah got very emotional and decided to say, I call it quits. आज हम इस हद तक गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। चलिए, अल्लाह का शुक्र है कि आखिर उन्होंने अपनी बात, अपनी जुबान पर वो बातें लाईं जो अरसे से उसके तरफ ये लोग इशारा कर रहे हैं। हकीकत ये है के कानून का तकाजा है कि आदमी तब तक निर्दोष है जब तक उसको दोषी साबित नहीं किया जाता। शायद चोरी, डकैती, लूटमार, इन सब चीजों में ये बात शायद हम मान लेते, लेकिन बदकिस्मती से जो इल्जाम, जो झूठा इल्जाम मेरे खिलाफ आज पीडीपी के एक मेंबर में लगाया है, इसमें हकीकत यह है कि मैं तब तक गुनहगार हूं जब तक मुझे कोई बेगुनहगार या बेगुनाह जो है साबित नहीं करता। ये एक ऐसा कलंक जो है, एक ऐसा धब्बा मेरे ऊपर लगाया गया है। आप इसको रिकॉर्ड से एक्सपंज करें, आप होम डिपार्टमेंट से इसकी इंक्वायरी कराएं, आप जो कुछ भी करें कोई फायदा नहीं होगा, मैं काम कर नहीं पाऊंगा जब तक मुझे बेगुनाह साबित नहीं किया जाता। इसलिए यहां से जाके मैं जनाब गवर्नर साहब को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं।